हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मीनू एंड वेलकम टू लर्नर्स पार्क। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है और इससे क्या हमें उसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज किस चीज में हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सम केमिकल्स, वो केमिकल्स जो कि हमारे लिए टॉक्सिक है उसमें इंक्रीज हो रहा है थ्रू आउट द डिफरेंट फूड लेवल्स। जो डिफरेंट डिफरेंट फूड लेवल्स पे इंक्रीज होता जा रहा है ऑफ द फूड चेन और जो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास क्या है, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास वाटर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं क्रॉप्स पे, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, क्रॉप्स होती है, उसको बचाने के लिए, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। वो पेस्टिसाइड्स हैं, क्या होता है, वाटर में मिक्स हो जाते हैं फर्स्टली, उनको मोस्टली तो पेस्टिसाइड्स क्या होता है, पानी में घोल के डाले जाते हैं, ठीक है। वो क्या है, वाटर में मिक्स हो जाते हैं कुछ, फिर वो कहां पे पहुंचते हैं, क्रॉप्स में। क्रॉप्स क्या करती हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं थ्रू द सॉइल और वाटर। सॉइल और वाटर के थ्रू क्या होगी, क्रॉप्स जो होंगी इस चीज को ऑब्जर्व कर लेंगी जो पेस्टिसाइड्स है। पेस्टिसाइड्स क्या आ गए, क्रॉप्स में आ गए, मतलब क्या आ गए, जो हमारे प्रोड्यूसर है प्लांट्स में पहुंच गए हैं। अब प्लांट्स को कौन खाएगा, हर्बीवोर, फिर वो पेस्टिसाइड कहां चले गए, हर्बीवोर में चले गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या आते हैं, फिर कार्निवोर्स, तो वो क्या पहुंच गए, कार्निवोर पे। और एक चीज और एनालाइज की गई है कि जैसे जैसे क्या होगा कि नेक्स्ट नेक्स्ट फूड लेवल पे पहुंचते जाते हैं फूड चेन में, तो क्या होगा, इसकी कंसेंट्रेशन है वो भी क्या इंक्रीज होती जाती है। एक केस स्टडी की गई है डीडीटी के ऊपर, ठीक है। डीडीटी के ऊपर क्या हुआ, एक केस स्टडी की गई, उन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले क्या था, वो वाटर बॉडीज में डीडीटी ऐड की गई थी। डीडीटी अब तो बैन है, लेकिन पहले उन्होंने केस स्टडी किया था, तो उसमें वाटर बॉडीज में ऐड थी। तो उन्होंने देखा कि 0.02 ppm है जो वो वाटर में ऐड थी सबसे पहले, ठीक है। जैसे हमने कहा ना, वाटर के थ्रू पहुंच जाते हैं, वाटर बॉडीज से पहुंचे फिर वहां कहा, जो जो हमारे पास जू फाइटोप्लैंकटन है, तो ठीक है, और हमारे पास जू प्लैंकटन, तो इनके थ्रू क्या हुआ, हमारे पास कहां पे पहुंची, पहले वाटर बॉडीज में थी, वाटर के थ्रू, वाटर में कितनी थी, इतनी, फिर कहां पहुंची वो, फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन जो एक्वेटिक सिस्टम में, ठीक है। उनमें जब एनालाइज किया तो वही डीडी की जो कॉन्सेंट्रेशन है इतनी हो गई, मतलब पहले से वो इंक्रीज पाएगी। फिर क्या हुआ, उन्होंने जो फाइटोप्लैंकटन थे उसको किसने खा लिया, फिशेज ने खा लिया, तो फिश में जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन दिखेगी तो 240 ppm थी। उसके बाद क्या हुआ, उसको किसने खाया, मैन में, तो मैन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन जब पाएगी वो हो गई 1600 ppm। ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, डीडीटी की। तो उन्होंने देखा कि हर लेवल में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन जो डीडीटी की ज्यादा हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, टॉक्सिक प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, अकुमुलेशन होते जा रहा है। एक चीज और दिखी गई कि जो मैन है, जो ह्यूमंस हैं, वो क्या है, मोस्टली टॉप कार्निवोर पे वो ही आते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट है जो वो ह्यूमंस को ही पड़ रहा है इस चीज से, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा एट द एंड हम ही आते हैं और हम इस चीज को खाते हैं। अब क्या हुआ, टॉक्सिसिटी पहले कम थी, फिर और बढ़ती गई, फिर और एट द एंड इतनी ज्यादा होगी इसकी कंसेंट्रेशन, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। तो ये था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, ठीक है, एक फ्लो चार्ट की। अब जो हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या था, हमारे पास क्या हुआ, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है, ह्यूमन बीइंग्स को ही हो रहा है। अब ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में हमारे पास केमिकल एड्स हो रहे हैं, तो ये केमिकल्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब क्या हो गया, ये डिग्रेड नहीं हो रहे, नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक प्रोडक्ट। और अगर डिग्रेड नहीं हो रहे तो इसकी कॉम्पोजिशन बढ़ती जा रही है, और एट द एंड जो टॉप कार्निवोर्स है उनको काफी इसका नुकसान हो रहा है, क्वांटिटी फिर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की उनमें काफी ज्यादा पाई जाती है। तो इसका देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, कैसे है। अगर पहले क्या हुआ, ग्रास में हुआ, ग्रास में क्या हुआ, हमारे पास कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब ये ग्रास को किसने खाया, गोट ने, ठीक है, या हम कह देते हैं काऊ ने, ठीक है, वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स अब इसमें पहुंच गए, ठीक है। पहले ग्रास में था, ग्रास में जो पेस्टिसाइड्स वगैरह कहां से आए थे, थ्रू द वाटर बॉडीज, वाटर के थ्रू यहां पे पहुंच गए थे ग्रास में, फिर ये गोट ने खाया,
ठीक है, गोट या काउ नहीं है। अब क्या हुआ, मैन में आ गई। मैन में कैसे आ गया, क्योंकि जो मिल्क उसने पिया था वो कहां से उसने लिया था, या तो गॉड से लिया होगा या फिर कहां से लिया होगा, काउ से। ठीक है, फ्रॉम मिल्क के थ्रू वो मैन में पहुंच गए, ऐसे नुकसान किया उसने। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं कि हमारे पास क्या थे, कुछ वाटर बॉडीज थी, वाटर में मतलब प्रेजेंट था जो, क्या उस वाटर में कहीं से ऐड हो गई, जो हमारी जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वाटर में कहीं से ऐड हो गई, फिर उस वाटर को किसने खाया, जहां हमारे जो जू प्लैंकटन है या वाटर बॉडीज हैं वहां पे, उस वाटर को, जैसे उस वाटर में क्या थी, फिशेस थी, उस फिशेस को किसने खा लिया, मैन में, तब भी पहुंच गए। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल हम लें, अगर पहले वाटर बॉडी से हमारे पास कहां पहुंचा, जो जू प्लैंकटन है या फाइटोप्लैंकटन है, ठीक है, वाटर बॉडीज के पास इससे यहां पे पहुंच गया, जो डीडीटी की कंसेंट्रेशन थी, डीडीटी की कंसेंट्रेशन जैसे वाटर में थी 0.02 ppm, यहां पे जब देखी गई तो 5 ppm होगी। ठीक है, फिर इसको किसने खा, फिशेज ने, तो फिशेज के पास कितनी पहुंच गई, 240 ppm। फिर इसको खाया जो ह्यूमंस ने, तो उनके पास इसकी कंसेंट्रेशन देखी गई तो 1600 ppm। तो इस तरह से जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और इनका टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है जो टॉप कॉर्निवर पर सबसे ज्यादा देखा गया है। तो ये था आज का टॉपिक जो हमारा था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन हो रही है केमिकल्स की, वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उससे जरूर दबाइएगा, उससे क्या होगा, चैनल की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।